छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहु। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे रेप को देखते हुए कलेक्ट्रेट घेराव करने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें वहां से जाने के दौरान पुलिस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बता दें कि वही कलेक्ट्रेट से पहले ही पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल में रख दिया और वहीं 151 धारा के तहत उन पर कार्रवाई की गई। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से महिलाओं और लड़कियों का लगातार रेप हो रहा है और आरोपियों के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार कार्रवाई को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ज्ञापन सौंपा जाता है लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसको देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह आंदोलन कर रहा है और वही कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार को निकम्मी बताते हुए सड़कों पर जमकर नारेबाजी भी करने लगे। पूर्व में भी कई बार कलेक्टर महोदय एसपी सर को ज्ञापन दे चुके हैं, अवगत कराई है कि बलरामपुर में लगातार जिस तरह से गैंग रेप हो रही है 5 साल 3 साल के बच्चियों का, परंतु पुलिस मौन धार करके बैठी हुई है। कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी ये घटनाएं नहीं रुक रही है, जिसमें आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिवस होकर कलेक्टर का घेराव करने गई। शासन प्रशासन को ज्ञापन पहले भी दे चुकी थी लेकिन उन लोगों का नींद नहीं खुला है और यहाँ का जो मंत्री है उनके द्वारा बलरामपुर में जो घटनाएं हैं यहाँ की घटनाएं छोटी बताते हैं और यूपी में जो घटनाएं होती हैं वहाँ बड़ी बताते हैं। इसलिए बड़ी बताते हैं कि उनके यहाँ के जो सरकार है भूपेश सरकार, उनके आका प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहाँ उपस्थित रहते हैं, इसलिए उस घटनाएं बड़ी हो जाती है और हमारी बलरामपुर जिले की बेटी के साथ जो घटनाएं होती है वो छोटी बताती है। ऐसे भूपेश बघेल सरकार और उनके मंत्रियों को डूब मानना चाहिए, जिसमें आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक आगाह करती है छोटा हो सकता है कि प्रदर्शन के माध्यम से अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है और ये घटनाएं नहीं रुकती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। आप लोगों का प्रदर्शन किस प्रदर्शन शासन प्रशासन और पुलिस खिलाफ और कलेक्टर महोदय जो यहाँ शासन प्रशासन में बैठे हैं जो ऐसे आरोपियों को कार्रवाई नहीं करते हैं उनके खिलाफ है। उनके जो स्वयं है उन पर ये बहुत छोटा रूप है, आने वाले समय में एक और विशाल रूप दिखाया जाएगा विद्यार्थी परिषद। आज जो है एबीवीपी के द्वारा फिर से जो है सूचित की कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा, इसके परिपेक्ष में व्यवस्था लगाई गई थी। वो अपने विभिन्न मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे थे तो उन्हें आज जो है कलेक्ट्रेट के पूर्व रोका गया है और हल्की झड़प हुई और सभी को शांति भंग होने वाले सफर 151 तक गिरफ्तार किया गया। अभी अस्थायी जेल में उन्हें रखा गया है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। नहीं, किसी को ऐसी चोटें नहीं आई हैं।